जबलपुर की तिलवारा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो पिछले लंबे समय से अवैध मादक पदार्थ गांजे की तस्करी में लिप्त थे। तिलवारा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि इंडिका कार में सवार 5 युवक अपने साथ भारी मात्रा में गांजा लेकर जबलपुर शहर पहुंच रहे हैं। यह 5 आरोपी गांजा लेकर पहुंच पाते उससे पहले ही शहर के सीमावर्ती थाना तिलवारा पुलिस ने आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया, जहां आरोपी हरिहर, अनिल, विवेक, राजा और अजय के पास से 53 किलो गांजा सहित अवैध हथियार बरामद किए गए। वहीं जब्त गांजे की कीमत 2.5 लाख रुपए आंकी गई है। सूत्रों के मुताबिक ये लोग पड़ोसी जिलों से गांजा लेकर शहर में बेचा करते थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अवैध हथियार के संबंध में पूछताछ कर रही है। ये विगत रात्रि की घटना है। थाना तिलवारा अंतर्गत 5 आरोपियों से 53 किलो 270 ग्राम अवैध गांजा जब्त हुआ है। इसके साथ जिसकी कीमत करीब 2,65,000 अनुमानित कीमत बताई जा रही है। इसके साथ ही साथ एक कट्टा और 2 मैगजीन, 7 राउंड भी जब्त हुए हैं। आरोपियों के विरुद्ध थाना तिलवारा में NDTS एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीकृत किया गया है और गिरफ्तारी उपरांत आगामी विचारणा की जा रही है। एक कार में लेकर जा रहे थे और इसके साथ ही साथ 2 टू व्हीलर गाड़ियां भी जब्त हुई। आज की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।